धीरे सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिकल एनालाइजिज। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट, जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट की वीडियो अभी हमने लेटेस्ट ही डाला है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, यानी अंतर्ग्रहण और बाह्यग्रहण, इन दोनों के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की नॉलेज के लिए हमने इसमें ऑलरेडी पहले ही दो वीडियोज पार्ट वन पार्ट टू के नाम से जा चुकी है। आज हमारा पार्ट थ्री क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पार्ट थ्री में हम कौन सी प्रॉब्लम लेंगे यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने देखा है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, सर हमें बाइनोमियल मेथड और न्यूटन मेथड, तो बाइनोमियल तो समझ में आ गया लेकिन न्यूटन मेथड जो है वो कन्फ्यूज कर रहा है। तो अगर हम सवाल की बात करते हैं तो जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के मुताबिक, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया था इसको, ऊपर वाले तो ग्राफ वाले थे। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करेंगे और 6 की 7 की, तो हमने क्वेश्चन जो है 5, 6, 7 ये दो वीडियोज में आपको दे दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, आगे के तमाम प्रश्न हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन तीन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आपने आगे के प्रश्नों को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश की या नहीं। अगर सॉल्व करेंगे तो आगे के सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की अगली प्रॉब्लम के लिए आप लोग पूरी तरह से रेडी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। आज हमारा जो मेथड है वो है न्यूटन का मेथड। तो न्यूटन के मेथड को सॉल्व करने के लिए न्यूटन के मेथड से प्रॉब्लम देखेंगे और उसी को ही सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं कि न्यूटन का मेथड कहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से न्यूटन मेथड आ रहा है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 23 की प्रॉब्लम को समझना होगा और ध्यान से इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको न्यूटन मेथड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसके लिए कौन से फार्मूले अप्लाई करने होंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह कि आप लोग जब सवाल समझते हैं तो भाई एक कमेंट जरूरी है होता है, भाई हम कुछ समझना चाहते हैं कि आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कुछ समझ रहे हैं या नहीं। कमेंट में आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने माइंड में जो चल रहा है इस प्रश्न को लेकर के, उसको जरूर व्यक्त कीजिए। मैं आप लोगों की कमेंट स्टेप बाय स्टेप एक एक कमेंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि किस बच्चे ने कौन सी प्रॉब्लम को पूछा है। अगर आप लोग अपनी मनपसंद प्रॉब्लम पूछते रहेंगे तो आपके हिसाब से वीडियोज आपके पास जाती रहेगी। अगर आपने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वैसे ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। फिर आप सोचेंगे कि आपके मनपसंद वीडियो नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक जरूर, जैसे ही वीडियो आपके पास पहुँचती है आपने देखा और तुरंत लाइक कीजिए, और प्लस आप उसको शेयर भी तुरंत कर दीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प मिले और मुझे इस बात की खुशी हो कि आप लोग इसको प्रचार करने में, प्रसारित करने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि न्यूटन मेथड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द आउटपुट एंड इनपुट रिलेटेड टू ए सर्टेन प्रोडक्ट इंटरपोलेट द इनपुट फॉर आउटपुट एट 42। इन्होंने कहा है कि अगर 42 का आउटपुट दिया हुआ हो तो उसमें आप इनपुट बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप है 40, 50, 60, 70 है और इनपुट सामने लिखा हुआ है। एक बात आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम में
आपको बाइनोमियल मेथड और न्यूटन मेथड का प्रयोग करना है। अगर आप दोनों प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हम बाइनोमियल वाली प्रॉब्लम को देखते हैं तो बाइनोमियल कहाँ अप्लाई होगा, ये बात ध्यान दीजिए। बाइनोमियल वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर ये जो हमारे पास ईयर दिए होते हैं या ये यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, तो जब भी मिसिंग होगा तो इनके बराबर की गैप होगी। यहाँ पर जैसे देखेंगे 94, 95, 96, यानी एक एक साल का गैप होते हुए यहाँ पर हर साल का डाटा दिया हुआ है और उसी में से ही एक मिस हो गया है। जब भी यहाँ पर मिसिंग होगी तो कंटिन्यू दी हुई सीरीज में से एक सीरीज का अमाउंट गायब होगा या एक सीरीज का डाटा गायब होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अभी हम डबल वाले में नहीं पहुँचे हैं, आने वाले टाइम में पहुँच जाएंगे। तो 1976 है यहाँ पर, तो मतलब कंटिन्यू चल रहा है 76, 81, 86, 91, 96 और 200, 2001, इनमें पाँच पाँच का गैप चल रहा है, यानी बराबर का गैप दिया होता है और उसी गैप के बीच में से ही पूछा जाता है। यानी 81 है, 91 है, इनके बीच में पूछ लिया गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है या यहाँ दिया हुआ है 61 है, 71, 81, 91 और 2001, इनके बीच में 10-10 साल का गैप है और उसी गैप के अंदर ही डाटा पूछा गया है। लेकिन जब हम न्यूटन वाली बात देखते हैं, न्यूटन की प्रॉब्लम में यहाँ पर बराबर का गैप है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, इन्होंने इनके गैप में नहीं पूछा, इन्होंने 42 पूछा। 42 तो यहाँ कहीं आता भी नहीं है। यानी अगर हम 50 को हटा देते, यानी 50 यहाँ लिखा है और इसका 7.2 क्वेश्चन मार्क लगा देते और हमसे पूछा जाता 50 वाला ही वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब यहाँ पर बाइनोमियल मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इन्होंने सारी वैल्यू दे करके इस 40, 50, 60, 70 इनकी रेंज से बाहर पूछा है, 42 का पूछा है। इस प्रकार से यहाँ पर जब आउट ऑफ रेंज पूछा जाएगा तो वहाँ पर न्यूटन का प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम में आउटपुट और इनपुट दोनों को आप देख लीजिए, 40 से लेके 70 तक दिया है और 6.2 से लेके 12.0 तक दिया हुआ है। 42 का हमें पता लगाना होगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पहले हम आउटपुट और इनपुट को जैसे दिया है ऐसे ही कॉपी में ले लेते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं न्यूटन मेथड का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 23, आउटपुट इनपुट और यहाँ डिफरेंसेज लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट दूसरा दिया हुआ है, यानी ये दो प्रकार के प्रोडक्ट के बीच में ही हमें आउटपुट इनपुट का पता लगाना होगा। अगर यहाँ पर आउटपुट दिया है 40, 50, 60, 70, सामने प्रोडक्ट का इनपुट भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा 42 का बताइए, तो पहले आपको यहाँ डिफरेंसेज बनाने होंगे। डिफरेंसेज बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पर नंबर हम डाल रखे हैं इसमें हमने कोडिंग कर दिया है। तो जैसे 40 है तो 40 के सामने एक्स 0, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, इसकी शुरुआत 0 से होगी और उसके बाद 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। ये ध्यान रखेंगे ये जो 0 है इसे नीचे लगाना, इसके पूंछ के पास। जैसे एक्स है तो ये 1 यहाँ लग गया और एक्स के यहाँ 2 लग गया, इसके पूंछ के पास लगाना है। अगर आपने इसके पूंछ के बजाय इसके खोपड़ी पे लगा दिया ना ऊपर, तब तो भाई ये पावर में चला जाएगा। पावर का मतलब होता है एक्स की, अगर हमने यहाँ 2 लगा दिया ऊपर तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर ये 1, 2, 3, 4 नहीं बोला जाएगा, स्क्वायर, क्यूब, दुनिया भर के सब आ जाएगा इसका काउंटिंग में। ऐसे ही प्रोडक्ट में है, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे, वाई 0, वाई 1, वाई 2, वाई 3, तो इसके भी ध्यान रखेंगे इसके पूंछ के पास ही आपको एक कोड नंबर डालने होंगे 0, 1, 2, 3, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बात ध्यान रखेंगे, 1, 2, 3, 4, अगर ये 4 नंबर दिए हुए हैं तो आपको 3 ही कॉलम बनाने होंगे आगे के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर यहाँ 5 होंगे तो आपका 4 तक जाएगा, 6 होंगे तो आपका 5 तक जाएगा, मतलब एक कम जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को घटाना होता है। अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो वैल्यू अगर प्लस में आती, यानी नीचे से ऊपर वाला घट गया तो यहाँ प्लस में आएगा, अगर उल्टा हो गया ऊपर से नीचे वाला घटाना पड़ गया तो फिर वैल्यू माइनस की आएगी।
अब यहाँ पर 7.2 में से 6.2 माइनस करेंगे तो 1 लिखेंगे, 9.1 में से 7.2 को घटाएंगे तो 1.9 लिखेंगे, क्योंकि 9.1 में से 7.2 बड़ी आसानी से घट जाएगा। इसके बाद 12.0 में से 9.1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2.9 आएगा। अब हमारा पहला जो सीरीज है वो रेडी हो गया। इसमें जो 1 लिखा हुआ है ये पहला नंबर है, इसके सामने आप जाइए ऐसे ही त्रिभुज जैसा बनाइए, ऊपर इसकी खोपड़ी पे 1 लगाइए, यहाँ पर खोपड़ी पर 1 लगाएंगे और इसकी पूंछ पर 0 लगा देंगे, तो ये डेल 1 पढ़ा जाएगा। लेकिन आगे आपको कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिंपल रहेगा। ये पहला वाला हमारा कॉलम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस पहले से आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर सेकेंड पर, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाना, यानी 1.9 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0.9 आएगा। इसके बाद 2.9 में से 1.9 घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, 1 आएगा। ये जो 0.9 है इस पहले नंबर पर है, तो अब इसके यहाँ पर ऐसे ही डेल बनाएंगे, त्रिभुज बना के 0 लिखेंगे इसके यहाँ पूंछ के पास नीचे, और ऊपर खोपड़ी पे इसके लिख देंगे 2, इसे डेल 2 का नाम देंगे। इधर डेल 1, डेल 2, आगे बढ़ेगा तो डेल 3 होगा। 1 में से 0.9 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.1 आएगा, इसका नाम होगा डेल 3, यहाँ पर वैसे ही 3 और 0 लिख देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर ये 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बनेगा। अगर ये 5 साल का होगा तो ये 4 साल का बनेगा, अगर ये 6 साल का होगा तो ये 5 साल का बनेगा, यानी 1 साल कम हो जाता है ये जो हमारे पास डिफरेंसेज होते हैं। इसके बाद हम एक्स की एक्स पता लगाने की कोशिश करेंगे, उस नंबर को जिसमें 42 की वैल्यू को पूछा गया है। 42 जो वैल्यू पूछा गया है वो हमारे लिए एक्स है, क्योंकि उसका जो नंबर है एक्स की एक्स का वो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्स नाम का एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसको पता लगाने का जो तरीका है वो है एक्स इक्वल टू एक्स की एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ये बात ध्यान रखेंगे, एक्स की एक्स वही है जो हमारा क्वेश्चन है, यानी 42 जो बुक में दिया है, 42 का बताओ इनपुट क्या होगा। अब इसको जानकारी लेने के लिए इसके अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। एक्स की एक्स 42 है, 42 लिखेंगे भाई, हमारे पास जो है पूछा है 42 में से एक्स की जीरो यानी कि 40 को माइनस करेंगे 2 आएगा, एक्स वन माइनस एक्स जीरो यानी एक्स वन कितना है 50 और एक्स जीरो कितना है 40, तो 50 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 2/10 यानी 2/10, तो 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 आने के बाद अब हमारा फार्मूला अब आगे एक्टिव होगा। इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा है परंतु ईजी है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आप शुरू में 2-1 सवाल जो बनाएंगे तो उसमें आपको ये प्रैक्टिस में लेना है देख देख करके, लेकिन जैसे ही आप इसके क्लू को समझ जाएंगे तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये याद हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमें वाई एक्स लिखना होगा। वाई एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स इसलिए लिखा हुआ है कि हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वाई जीरो, ये बात ध्यान रखेंगे, वाई जीरो से शुरू करेंगे, ये वाई जीरो, फिर वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हमारी जो शुरुआत होगी वो वाई जीरो से होगी, बात ध्यान रखेंगे। वाई थ्री मत लिख देना गलती से नीचे की ओर से, आपको शुरू में ही डालना है वाई जीरो, बस दोबारा कोई भी वाई जीरो का डाटा नहीं लेना है, एक बार लेना है। वाई जीरो प्लस एक्स, एक्स हमने ये जो निकाला है इसकी मल्टीप्लाई डेल वन से, डेल वन ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यू को रखेंगे प्लस लगाएंगे। ये जो हमारा एक्स है ये सिंगल है, अब आगे बढ़ेंगे तो एक एक स्टेप इसका आगे बढ़ता जाएगा। एक्स लिखेंगे, एक्स में से वन घटाएंगे, ए एक्स बाहर रहेगा ये वाला, अपोन में वन इंटू टू इधर से चलेगा, वन इंटू टू, फिर ये डेल टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल टू लिखा हुआ है 0.9, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसमें डाटा ही बढ़ना प्रारंभ हो चुका है, एक्स बाहर रहेगा, एक्स माइनस वन, अब की बार एक्स माइनस टू और जाएगा, ये जब तक जाता रहेगा जब तक ये आगे यहाँ तक डेल थ्री तक ना हो जाए, अगर इसके आगे डेल फोर है तो एक नंबर और जाएगा।
अब यहां पर देखेंगे x x माइनस वन, पहले यहां सिंबल मतलब सिंगल x था, फिर x माइनस वन एक बार अटैच हुआ, फिर दोबारा और आगे बढ़े तो x माइनस टू अटैच हो गया, ये देखेंगे। तो हमारे पास x x माइनस वन ब्रेकेट बंद और x माइनस टू ब्रेकेट क्लोज रहेगा अपॉन वन टू थ्री से मल्टीप्लाई, ये भी बढ़ेगा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ वन रहता है तो वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में सेकेंड में तो वन इंटू टू हो गया, थर्ड में आएंगे तो वन टू थ्री हो गया। अब इसके आगे जब फोर होता है तो उसमें एक्स होगा बाहर, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होगा और उसमें डेल फोर से मल्टीप्लाई होगी और ये जो नंबर है वन टू थ्री और एक फोर और आगे आ जाएगा, क्योंकि हमारा डेल थ्री पे रुक गया तो हमने डेल थ्री पे यहीं रोक दिया, फार्मूला क्लोज हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें खेल सिर्फ 0.2 इसका ही है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यही वैल्यू बार बार देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अब यहाँ पर y0 की वैल्यू से शुरुआत है तो y0 6.2 है, हम इसको यहाँ रखेंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, x और डेल 1 की मल्टीप्लाई, x ये रहा और डेल 1 ये रहा 1, तो इसकी मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पर। ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ तुरंत मल्टीप्लाई है तो ब्रेकेट लगा दीजिएगा, क्यों ब्रेकेट इसलिए लगाना ज़रूरी है, कुछ दिमागदार लोग ऐसे भी होंगे 6.2 है तो 1 को तो भाई अगर मान लीजिए ब्रेकेट नहीं लगाते हैं, एक बार हटा दीजिए ब्रेकेट को, अब अगर ब्रेकेट हटा देते हैं तो कुछ कहानी इस प्रकार से हो जाएगी, 6.2 प्लस 0.2 इंटू 1। अब दिमागदार लोग कैसे काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सवाल का जवाब हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये आपको 6.4 बन जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ 1 है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए आप लिख दीजिए 4, अब देखिए चमत्कार क्या होगा, या 5 लिख दीजिए फिर देखिए चमत्कार क्या होगा, 6.2 और 0.2 को जोड़ेंगे 6.4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कैसे अगर 5 से करेंगे तो ये 3.2 हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा झटका लगेगा यहाँ पर, अब 6. जबकि इसका आंसर क्या आना चाहिए 6.2 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो ये हो जाएगा 7.2, लेकिन पोपटगिरी करने से कितना हो जाएगा 3.2, और सही दिमाग लगाने से 7.2, तो अब आप समझ जाइए ब्रेकेट लगाने से कितना फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया जहाँ पर फ्लक्चुएशन होने की संभावना हो वहाँ पर आप ब्रेकेट लगा करके ही सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो अब हमने यहाँ ब्रेकेट लगा दिया है, दोनों की वैल्यू हमने लिख दिया, 0.2 ये रहा और डेल 1 ये रहा, प्लस लगाएंगे फिर यहाँ पर x की वैल्यू है यानी 0.2, इसके बाद ब्रेकेट के अंदर x माइनस 1 है तो x तो हमारा 0.2 है, माइनस 1 1 फार्मूले में है, ये मत देखना 1 कहाँ से आ गया है, कौन पकड़ आ गया है यहाँ पर, 1 फार्मूले में ब्रेकेट बंद कर दीजिए, अपॉन में 2 डालिए, 2 × 2 तो 2 लिख देंगे, इनटू यहाँ पर कुछ नहीं निशान है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ अगर अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देना, अदरवाइज अगर समझदार हो गए हो तो ये आपको मल्टीप्लाई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ कुछ नहीं निशान होता वहाँ मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो अब हम डेल 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये रहा डेल 2 0.9, इसके बाद प्लस लगाएंगे, अगला स्टेप लेंगे 0.2, x की वैल्यू 0.2 है तो यहाँ लिखेंगे 0.2, ब्रेकेट लगाएंगे x माइनस 2 यानी 0. x माइनस 1, 0.2 को यानी इसी वैल्यू में से 1 को माइनस करेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे फिर 0.2 माइनस यहाँ पर लिखा है 2 तो 0.2 माइनस 2 ब्रेकेट बंद इनटू डेल 3, डेल 3 ये रहा 0.1, इस वैल्यू को रखेंगे और नीचे 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 3 यानी 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 6 आ गया। अब हमारा अगला स्टेप होता है, एक स्टेप ये पूरा हो गया वैल्यू पुट करने वाला, अब सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 0.2 की मल्टीप्लाई एक में होगा तो भाई 0.2 ही आएगा तो हम 0.2 लिख देंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू प्लस में ही है तो यहाँ प्लस लगा के 0.2 लिखेंगे प्लस। अब यहाँ देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 0.2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1 तो बड़ा हो गया, अब ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 8 तो 0. लिखेंगे यहाँ पर 8, इसकी मल्टीप्लाई 0.9 से होगी, ये बाहर पड़ा हुआ है ये ब्रेकेट में है, इन तीनों की एक लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही है तो इसकी मल्टीप्लाई तीनों की एक लाइन से हो जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब एक लाइन से मल्टीप्लाई होगा
तो ये अगले स्टेप में 0.144 अपॉन 2 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ करके 6.4 हो जाएंगे। अगला स्टेप यहाँ पर पहुँचते हैं, 0.2 बाहर है, इसमें से इसको घटाएंगे 0.8 आएगा और यहाँ 0.2 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1.8 आएगा इंटू 0.1 है ही बाहर। अब इन ऊपर वालों सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दो जगह यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर माइनस जोड़े में मिलता है यानी इसे 2, 2, 4, 6, 8 तो समझ लीजिए वो वैल्यू प्लस में आएगी। अगर विषम संख्याओं में है जैसे 1 माइनस मिला, 3 माइनस मिला, 5 माइनस मिला, 7 माइनस मिल गए, ऐसे अगर नंबर आ गए माइनस वालों की गिनतियों के तो वो हो जाएगा माइनस में। जब यहाँ पर 2 माइनस आए, एक तो यहाँ आ गया और एक यहाँ, ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई तो हम करेंगे लेकिन जो निशान लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो अब माइनस 0.2 की मल्टीप्लाई 0.8 में होगी, फिर 1.8 में होगी, फिर 0.1 में होगी। चलो इसको दिखाई देते हैं, थोड़ा बड़ा है लिखते हैं। ये वाला कैलकुलेटर बहुत ही बुरा है क्योंकि इसमें जो है मैंने कई बार ट्राई किया तो कभी कभी डाटा हमारा नाश मार देता है। 0.2 इंटू 0.8 इंटू 1.8 इंटू 0.1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0.0288। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6। अब बताओ क्या हो रहा है, 4.8 बताता है, नालायक कैलकुलेटर बर्बाद है ये। अगर हम वैसे नॉर्मल देखेंगे तो 0.0288 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 बताता है, इसका पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है। अब इसको ऐसे हम मैनुअल करके देखते हैं, 0.0288 अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 0, 0, 2 0 तो ऐसे लग गया क्योंकि इससे डिवाइड नहीं होगा, एक पॉइंट बढ़ाया, फिर 2 में लेंगे फिर 0 बढ़ाया, 2 से नहीं होगा फिर 0 बढ़ाया। अब यहाँ पर पॉइंट लेंगे मतलब नंबर लेंगे, ये 24 होगा, 6 चौके 24, 4 48, 6 48, 0.0048 ये होता है 0.0048 हमने यहाँ लिखा 0.0048। आप भी इस कैलकुलेटर से करना मत, ये तो भाई नाश मार रहा है सवाल को, इसकी वजह से हमारे सवाल कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो गए। हाँ जोड़ने काम घटाने काम तो ठीक कर रहा है लेकिन कभी कभी पॉइंटों काम बहुत बुरा घपला कर देता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस दो बार आ गए डबल में, ये प्लस बन गए, प्लस बाहर लगा भी है तो ये पूरी वैल्यू प्लस लिखेंगे प्लस में, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब इसको डिवाइड कर दिए, 0.0048 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू थी ये वाली माइनस में है, ये बात ध्यान रखने वाली है। हे 1, 2, 3 इसमें देखेंगे तो जो तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो 0.8 की मल्टीप्लाई 9 में होगी और 0.2 में होगी, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू यहाँ आएगी माइनस में, हमने माइनस में नहीं लगाया, हमने माइनस यहाँ लगा दिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी माइनस लगेगा। अब माइनस और प्लस दोनों मिलेंगे तो आपस में क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस और प्लस दोनों एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हो गए तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.072। 6.4 में इसको घटाएंगे और इसको जोड़ देंगे। अब देखो कैलकुलेटर इस काम को बहुत बढ़िया करेगा ना, लाइक इसको गड़बड़ कर देता है डिवाइड को। 6.4 माइनस 0.072 प्लस 0.0048, ये देखिए 6.3328 यानी कि अगर हम दशमलव के दो अंकों तक लेंगे तो 6.33 हमारा सही जवाब है, 6.33। अब इसको मिला लेते हैं, कहाँ इसका आंसर को चेक करते हैं, ये रहा Y42 की वैल्यू है 6.33, इसका मतलब है Y42 अभी यहाँ पर YX चल रहा था, अब Y42 की वैल्यू यहाँ पर आंसर आ चुका है तो अब यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, Y42 की वैल्यू 6.33 हो गया है अप्रोक्स में। इस प्रकार से इस प्रकार की जो क्वेश्चन है न्यूटन मेथड का, इसका शुरुआत यहाँ से हुआ, एक एक करके हमने इसको बहुत बारीकी से
आपको समझाया, इसके तमाम पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश की। इस उम्मीद से कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, परंतु शेयर करते नहीं हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। व्यूज आते हैं दन्नक से, अब मेहनत होती भयंकर, अब मेहनत हम इतना ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आप लोग सोचो एम कॉम के सवाल सोल्व हो रहे हैं और वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। व्यूज के लिए मैं तड़प रहा हूँ, व्यूज आप लोग ला ही नहीं रहे हो, अब बताओ मैं क्या करूँ। कोचिंग में ही बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ फ़ायदा है। अगर हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है। आज इस बैच में कोई नहीं आया, आज सब छुट्टी है, आज आप लोगों की मौज है, परंतु ये मौज रोज नहीं रहेगी। ये मौज लाने के लिए आपको शेयर करना होगा इस वीडियो को, और लाने होंगे व्यूज बहुत सारे। जब व्यूज आएंगे, जब ही मैं इसमें वीडियो के लिए टाइम निकालूं और टाइम निकाल कर आप लोगों को दूं और ये आप लोगों की वीडियो इसमें बने, तो थोड़ा सा मज़ा आए। तो भाई मैं दोबारा कहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आपके जानकारी के लोग हों वहाँ पर आप इसको शेयर कीजिए और इस व्यूज को बढ़ाइए। व्यूज इसमें बहुत कमा रहा, बहुत ज़्यादा कमा रहा है, जबकि आप वीडियो देख रहे हो कितनी क्वालिटीफुल वीडियो है, कितनी मेहनत वाली है और कितनी आपके मतलब कि मास्टर डिग्री की क्लास के लिए आपकी वीडियो तैयार हो रही है, और व्यूज बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे एमकॉम कोई कर ही नहीं रहा है, एमबीए कोई कर ही नहीं रहा है, ना ही कोई पढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्वालिटी वाली वीडियो हम यहाँ देने की कोशिश में लगे हुए हैं, व्यूज आ ही नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि व्यूज कैसे आएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम वीडियो को आपको जब भी हमें टाइम मिलेगा प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अभी शेयर कर देना।